देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सरकार तो जोगी जी की बनी यहाँ पे, क्योंकि बहुत संख्या जो है कांग्रेस की ज़्यादा थी तो उस समय तक के ऐसा, और समय मतलब एक हवा भी चली हुई थी कि आदिवासी बहुल प्रदेश, मतलब जो भी अगर कहीं किसी भी पार्टी की सरकार बनेगी तो आदिवासी बनेगा, और उसी बेस पे जोगी जी भी बने, अजीत जोगी जी बने थे। ये अलग बात है कि आज अजीत जोगी जी को आदिवासी नहीं माना जा रहा है, इसी कारण मरवाही से अमित जोगी चुनाव भी नहीं लड़ पाए, है ना। लेकिन अब वो क्या है, 2000 से 2003 तक वो जो दौर था तो उस समय दोनों तरफ से आदिवासियों को पर्याप्त महत्व मिल रहा था। जोगी जी मुख्यमंत्री बने तो नंद कुमार साय जी छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने, मतलब बहुत विषम परिस्थितियों में बने वो, मतलब उस समय पर्यवेक्षक बनकर के नरेंद्र मोदी जी आए थे, आज प्रधानमंत्री हैं, तो जो यहाँ एकांत परिसर में तोड़ फोड़ राजनीति की घटना हुई थी लोग उसको आज भी याद करते हैं, क्योंकि मतलब है ना लोगों की अपनी अपनी पसंद थी, लेकिन आखिर बने तो नंद कुमार साय जी थे। वो सब ठीक चला, जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2004 में तो फिर कुछ कुछ चीज़ें जो है धीमे स्वर में उठने लगी, लेकिन तब भी जो है सरकार का जो पहला समय था उसमें उतना पता नहीं चला, मतलब हम बात कर रहे हैं 2003 से लेके 2008 तक की। और 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय जो है मंत्रिमंडल में मतलब पर्याप्त स्थान मिला था आदिवासी विधायकों को। लेकिन क्या हुआ कि जब तीसरे दौर में सरकार आई तो कुछ वातावरण ऐसा बनने लग गया, कुछ चीज़ें ऐसी बनने लगी कि अंदर खाने से आवाज़ उठने लगी, मतलब आदिवासियों की अपेक्षा, और मतलब भारतीय जनता पार्टी के निस्संदेह उठाते थे। आप जो अपेक्षा को लेकर सवाल कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले नंद कुमार साय जी और दूसरा है रामविचार नेताम जी, दोनों जो धाकड़ और दिग्गज आदिवासी नेता हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, और वीडियो वायरल हुआ था तो उन्होंने सीधे सीधे अपनी ही सरकार पर हमला बोला था, और खास करके ब्यूरोक्रेट्स जिस तरह हावी हो गए थे सरकार पे, मतलब ऐसा लगने भी लग गया था कि वो जो सरकार जो है ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं चला रहे, तो उस पर उन लोगों ने बहुत हमला बोला था, जिन लोगों ने देखा है वो लोग उस चीज़ को जानते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। फिर प्रश्न भी उठता है कि जो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष रहा नंद कुमार साय जी, जो नंद कुमार साय जी विधायक रहे, जो नंद कुमार साय जी छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, न जाने कितने ही पदों पर, और कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं रहे, और उनके नाम की चर्चा जो है बिल्कुल नहीं के बराबर होने लग गई थी। ऐसा लगने लग गया था कि नंद कुमार साय जी के नाम का कोई नेता हुआ करता था, ऐसा आभास बहुत सारे लोगों को होने लग गया था। तो खुलकर पीड़ा अब सामने आ गई, और खुलकर सामने आ गई तो उन्होंने कांग्रेस की राह पकड़ ली। देखिए, राजनीति में ना बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। अब छत्तीसगढ़ में अगर 32% आबादी आदिवासियों की है तो आदिवासी सीटों के लिए तो वही चेहरे चाहिए, तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी इनको टिकट देती है, विधायक बनाती है, संगठन मिलाती है। लेकिन क्या होता है कि केवल इनको चेहरा बना के आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि 32% के बाकी लोग भी तो हैं, तो जब परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर उनको बदलना कई बार ज़रूरी हो जाता है। तो पहला बदलाव इसलिए भी आता है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं होता। पद मिलने के बाद अपने आप को जैसे निखारना चाहिए, उस तरह से नेता निखारने में सक्षम नहीं होता या सफल नहीं हो पाता, तो संगठन उनको बदलने के बारे में सोचता है। दूसरी और बात यह है कि इनके अपने कोई आका रहते हैं जो इनको आगे बढ़ाते हैं। तो राजनीति में एक सिद्धांत होता है कि जो आपका नेता होता है वो आपको केवल उस सीमा तक बढ़ाएगा जहां उसको खतरा ना हो। तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी इनके चेहरे बदलते रहते हैं। टिकट काटना है तो किनका काटना है, तो अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग के जो गांव का सीधा साधा उम्मीदवार है, विधायक है, उसका काट देते ताकि वो नुकसान नहीं पहुँचा देगा। तो इस पर दोनों पक्ष है, एक संगठन और नेता जो है वो अपने से बड़ा ना हो तो वो इन चेहरों को बदलता रहता है, दूसरा जिनको मौका मिलता है वो भी कई बार उस ओहदे की योग्यता बनाने के लिए जो काम करना चाहिए, जो मेहनत करनी चाहिए, पद मिल गया उसके बाद तो आपको मेहनत करनी चाहिए, तो कई बार ना वो सफल नहीं होते, तो संगठन की मजबूरी होती है कि उनको बदल के किसी दूसरे चेहरे को लाना पड़ता है। बलिराम कश्यप जी थे, मुझे लगता है कि भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में उनका नाम आता था। फिर रामविचार नेताम जी को आप नहीं नज़रअंदाज कर सकते, उनका भी बड़ा नाम था। फिर अगर आप देखें केदार कश्यप, आज की तारीख में बड़ा नाम है भाजपा में, इस्टेब्लिश्ड है। महेश गागड़ा है, लता उसेंडी जी हैं,
मेरे ख्याल से 20 साल से वो हाई प्रोफाइल पे हैं, दो दो बार मंत्री रही हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिनको मौका मिलता है वो अपनी छवि को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने समाज के बाहर किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। तो इनके स्वभाव में ही ऐसा होता है कि वो अपने आप को सिकोड़ कर रखते हैं, तो इसलिए उनको मौका मिलने के बाद भी वो लोग जिस तरह से अपना एक आभा मंडल बनाना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, तो सीधे साधे सरल लोग होते हैं, तो वो उस महत्वाकांक्षा में नहीं उलझते।